आप लोगों को इसलिए बुलाया गया कि यहाँ सिवरापुर थाना क्षेत्र में ये सरैया घाट के पास दो अभियुक्त हैं जो अवैध तमंचा बनाते हैं, उनको अवैध तमंचा बनाते हुए पकड़ा गया है। इनका नाम धीरेंद्र उर्फ बबलू और कन्हैया उर्फ नन्हे, ये फतेहपुर चौरासी के रहने वाले हैं। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध तमंचा बनाने के उपकरण और उसके जो अन्य सामग्री लगती है सब बरामद हुई है। 11 तमंचे 315 बोर के बरामद हुए हैं, एक अर्ध निर्मित तमंचा बरामद हुआ है, कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो अवैध तमंचा बनाने के उपकरण होते हैं, पेचकस और अन्य तरह की जो सामग्री होती है, वो सब बरामद हुई है। सर, ये कब से इस तरीके का ये जो अवैध कारोबार है तमंचा बनाने का, ये कब से कर रहे हैं जानकारी? काफ़ी दिनों से कर रहे थे, इस तरह की इनका पहले भी हिस्ट्री रही है। और जो हमारे बॉर्डर पे जो चेकिंग चल रही थी उसी से कुछ दूरी पर इस तरह की आवाज़ आई, जिससे हमारी टीम, स्वाट टीम और थाना सिराजपुर की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करी है। उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है और ये बरामदगी हुई है। सर, इस फैक्ट्री का मास्टर माइंड कौन? धीरेंद्र जो है पहले भी इसकी हिस्ट्री रही है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं ये? फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव के रहने वाले हैं, जो बॉर्डर पे है, हमारे बॉर्डर उससे लगता है। वो गंगा जी के नदी क्रॉस करके इस साइड में अपना काम करते थे। जिसका जो अभी चुनाव होने वाला है, चुनाव में इसका बहुत मिसयूज हो सकता था, तो बहुत अच्छा काम किया है स्वाट टीम और हमारे सिराजपुर की थाना पुलिस ने। सर, ये केवल दो लोग हैं कि इसके पीछे कुछ अज्ञात भी है या कुछ ऐसा कुछ आपको जानकारी पूछताछ में? आप दो लोग ही हैं, दो लोग जो अभी अपना वहाँ सभी जो सामग्री होती है अवैध तमंचा बनाने की, सब लोग काम, दोनों लोग काम कर रहे थे, दोनों लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। जी जी, ये पूर्व में किन धाराओं में ये जेल जा चुके हैं? धीरेंद्र कुछ तमंचा और फायरिंग की इस तरह की इंसिडेंट कारित किया है अपने यहाँ, जिसमें वो फतेहपुर चौरासी से जेल जा चुका है। और इसके साथ सहयुक्त जो है वो उसके ऊपर कोई मुकदमा पूर्व में नहीं दर्ज? उसका पता कराया जा रहा है कि उसकी, इन लोगों के विस्तृत क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। तो ये जो ये काम ये कर रहे हैं, ये मतलब अपना दो पे दो व्यक्तिगत कर रहे हैं कि इसमें घर का सपोर्ट या कोई और भी ऐसी टीम कोई है जो पीछे से काम कर रही हो? क्योंकि ये इतना बड़ा आपने जो पकड़ा है जखीरा,